नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एसीपी नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ अक्षित। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास बड़ी खबरों पर। कोलकाता कांड पर हॉस्पिटल के खिलाफ बयान, शांतनु सेन को टीएमसी प्रवक्ता पद से हटाया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता शांतनु सेन को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। शांतनु ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और राज्य स्वास्थ्य विभाग की आलोचना की थी। शांतनु ने कहा, मीडिया के जरिए मुझे पता चला है कि मुझे पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि मैंने टीएमसी की सभी लड़ाइयों में सिपाही की तरह काम किया है और आज भी उसी तरह काम कर रहा हूँ। चार राज्यों में आज विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक शाम को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज चुनाव की तारीखों के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग की टीम ने महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा अब तक नहीं किया है। इसके अलावा देश के कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की अंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यह सत्र 24 से 30 सितंबर तक चलेगा। सुगम जीवन की अनुभूति को विकसित भारत की एक प्रमुख कसौटी मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक शासन के हर स्तर पर सभी से इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए कहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि सुगम जीवन यानी ईज ऑफ लिविंग के स्तर में सुधार के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। इसरो ने फिर रच दिया इतिहास। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को पीठ पर बांध उड़ चला अपना SSLV रॉकेट। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और स्टार्टअप कंपनी स्पेस रिक्शा के SR0 सैटेलाइट को लेकर जाने वाले भारत के छोटे प्रक्षेपण यान SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग शुक्रवार सुबह 9:17 पर हुई। यहाँ विकास के चरण में SSLV की तीसरी और अंतिम उड़ान है। इसके बाद रॉकेट पूर्ण परिचालन मोड में आ जाएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क पानीपत।